नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। टीएमसी की तेज तर्रार नेता महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता पर आज फैसला ले लिया गया। एथिक्स कमेटी के रिपोर्ट पर बहस के बाद ये फैसला लिया गया। हालांकि विपक्ष ने न सिर्फ फैसले पर कड़ा एतराज जताया है बल्कि जल्दबाजी में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश करने का आरोप भी लगाया है। इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का पहला सवाल। हमारा आज का सवाल है कि क्यों हुई महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द। मामला दरअसल कैश फॉर क्वेरी का है। विपक्ष ने रिपोर्ट पर बहस के दौरान महुआ मोइत्रा को बोलने देने की मांग भी की थी, लेकिन उसकी इजाजत नहीं मिली क्योंकि बीजेपी का कहना था कि उन्हें कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया गया। और इस कारण को लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। माननीय सदस्यगण, जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो विरोध में ना। कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी की महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई। लोकसभा में एथिक्स कमेटी ने 500 पन्नों की अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिस पर चर्चा के बाद ध्वनि मत से वोटिंग हुई। दिनांक 8 दिसंबर 2023 को सभा पटल पर रखे गए आचार संहिता की प्रति रिपोर्ट में नीत सिफारिशों से सहमत है। जो सदस्य इसके प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए, जो विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विपक्षी सांसदों ने इस दौरान सदन से वॉकआउट कर दिया, जिसके बाद रिपोर्ट मंजूर हो गई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सदन में महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्रस्ताव रखा था। हीरा नंदानी ने स्वीकार कर दिया है कि ये तो इनका पूरा जर्नी तो मैंने स्पॉन्सर किया हूँ। इसके बावजूद भी पश्चाताप व्यक्त करने से बजाय तो ये चैलेंज करते हैं, क्या है। एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में महुआ के खिलाफ आरोपों को गंभीर बताया और कार्रवाई की मांग की थी, जिसमें संसद सदस्यता रद्द करने की भी मांग थी। अपनी सदस्यता रद्द होने पर महुआ ने कुछ इस तरह से अपने गुस्से का इजहार किया। The ethics committee, without getting to the root of this, has decided to hang me. And there is no evidence of any cash, of any gifts, anywhere. Is that if this Modi government thought that by shutting me up, they are going to do away with the Adani issue? महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द होने को लेकर विपक्षी सांसदों ने अपना विरोध जताया है। वहीं टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। I strongly condemned it. Party is totally behind the MOA and our party will fight along with Indian Alliance together. This matter opened our eyes again against the vindictive politics of BJP. It is unfortunate for the democracy. विपक्ष महुआ की सदस्यता रद्द होने पर सवाल खड़े कर रहा है, तो बीजेपी इस फैसले को बिल्कुल जायज ठहरा रही है। ये कहीं ना कहीं एक जो नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस है उसके खिलाफ गया है। उम्मीद करती हूँ कि अब आने वाले समय में जब तृणमूल कांग्रेस से वो चुनाव लड़ेंगी, उन वो भारी बहुमत से जीत कर आएंगी और अपना पूरा कार्यकाल जिस तरीके से उन्होंने निभाया है उसको निभाती रहेंगी। आज एथिक्स कमेटी ने पूरा उनके बात सुना था, बहुत बार उनका बात भी सुना, वो लोग जो डिसाइड करके रिपोर्ट दिया उसका परीक्षा में सभा ने ये डिसीजन लिया और हम लोग चाहते हैं कि देश का सुरक्षा को विषय को लेके कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए। हम पूरा ये जो डिसीजन हुआ है सभा में हम लोग पूरा सपोर्ट देते हैं। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश किए जाने को लेकर हुए हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी और इसके बाद कार्यवाही शुरू होने पर रिपोर्ट पर चर्चा शुरू हुई। रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान टीएमसी, कांग्रेस और दूसरे दलों के विपक्षी सांसदों ने महुआ मोइत्रा को बोलने का मौका देने की मांग उठाई थी। कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, जिसको अभियुक्त बनाया जाता है, उसको अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलना चाहिए और जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं उसको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिलना चाहिए। और जहां तक मेरी जानकारी है, जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं, ना सुश्री महुआ मोइत्रा को और ना उनके किसी वकील को, उनको क्रॉस एग्जामिन करने का
मौका दिया गया। सर आई विल रिक्वेस्ट यू काइंडली अलाउ मोवा मोहितो टू बी हर्ड। हालांकि बीजेपी सांसद ने इस मांग का ये कहते हुए विरोध किया कि महुआ मोइत्रा को एथिक्स कमेटी के सामने अपनी बात रखने का पूरा मौका मिला है। यहाँ जो नेचुरल जस्टिस की बात कर रहे हैं उन्हें मैं याद करवा दूं कि एथिक्स कमेटी के सामने माननीय सांसद महोदया को पूरा मौका मिला, उनकी बात रखने का मौका मिला, और मिस्टर हीरा नंदानी जो इस कंपनी के प्रमुख है और जिनसे जिनके पास से गिफ्ट्स और पैसे लेने के जो आरोप यहाँ पे थे उसमें मिस्टर हीरा नंदानी ने खुद एफिडेविट कर एथिक्स कमिटी को दिया है, और वो जो एफिडेविट उन्होंने किया है वो इंडियन एम्बेसी के डेप्यूटी काउंसुलेट जनरल जो दुबई में है उनके सामने शपथ लेकर उन्होंने ये एफिडेविट किया हुआ है। विपक्षी दलों की तरफ से एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी जाने के लिए वक्त नहीं देने का आरोप भी लगाया गया, लेकिन बीजेपी की हिना गावित ने अपनी बात रखने के दौरान 2 घंटे में रिपोर्ट पढ़ने का जिक्र भी किया। बहस के दौरान स्पीकर महुआ को बोलने देने पर राजी नहीं हुए और फिर उनकी सदस्यता को लेकर फैसला ले लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महुआ मोइत्रा की संसद की सदस्यता चली गई। वो इस मामले में सरकार के रुख को बेहद ही गलत बता रही हैं। इसको लेकर अपना गुस्सा भी जता रही हैं कि उन्हें बिना किसी सबूत के ही सजा दे दी गई। हमारा अगला सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि महुआ मोइत्रा के पास अब क्या विकल्प है? इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं एडवोकेट आर के सिंह। सुप्रीम कोर्ट के सामने इसी टाइप का कुछ मसला आया था। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बेहतरीन अंदाज में वो कहा था कि ठीक है, प्रोसीजर को तो आप चैलेंज नहीं कर सकते, पार्लियामेंट के अंदर जो प्रोसीजर्स हैं उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन शर्तिया उस प्रोसीजर के अंदर जो इलीगैलिटी इन्वॉल्व है आप उसको बेशक चैलेंज कर सकते हैं और वो चैलेंज किया जा सकता है। इलीगैलिटी के ग्राउंड पे उसको चैलेंज किया जा सकता है, और हमें यह समझने की ज़रूरत है कि प्रोसीजर और इलीगैलिटी दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ है, तो इलीगैलिटी के ग्राउंड पे उसको चैलेंज कर सकते हैं। एथिक्स कमेटी के रिपोर्ट को लेकर घमासान मचा हुआ है पक्ष और विपक्ष में। इसको लेकर संसद के अंदर से लेकर बाहर तक बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि एथिक्स कमेटी के रिपोर्ट में क्या अहम बातें कही गई थी? दरअसल कमेटी ने महुआ पर लगे आरोपों को गंभीर मानते हुए उनकी सदस्यता छिनने की सिफारिश की। इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। सरकार की तरफ से कहा गया कि मामला बहुत गंभीर है, उनको मौका दिया गया, उनसे पूछे गए सवालों का वो जवाब नहीं दे पाई थी। जो सिफारिश की गई है एथिक्स समिति के द्वारा उसको मानना होगा, और इसीलिए महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता के निलंबन को लेकर जो प्रस्ताव लाया गया था उसे पास कर दिया गया, क्योंकि जो विपक्षी दल थे वो जो है वॉकआउट कर गए थे। महुआ मोइत्रा की लोकसभा की सदस्यता पर आखिर क्यों खतरा मंडराने लगा था? किस बात को लेकर उन पर गंभीर आरोप लगे और एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी? ऐसे कई सवाल हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक और हमारा चौथा सवाल है। हमारा सवाल है कि महुआ मोइत्रा का केस एथिक्स कमेटी तक क्यों पहुंचा? दरअसल बीजेपी के लोकसभा सदस्य ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था और फिर ये आगे बढ़ते हुए महुआ की सदस्यता रद्द होने तक आ पहुंचा। आ गई है, देखेंगे। अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं कि हमारा बिल है, और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उचित नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। The Ethics Committee, without getting to the root of this, has decided to end. कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता जा चुकी है। महुआ ने अपने खिलाफ की गई कार्रवाई पर कई सवाल भी उठाए हैं। महुआ मोइत्रा ने कहा कि निष्कासन की सिफारिश पूरी तरह से इस आधार पर है कि मैंने अपना पोर्टल लॉगिन पासवर्ड साझा किया है। इसको नियंत्रित करने के लिए कोई भी नियम नहीं है। एथिक्स कमेटी के पास निष्कासित करने का कोई अधिकार नहीं है। संसद से महुआ को निष्कासित किए जाने पर सियासत तेज हो गई है। इन सबके बीच ये जानना भी जरूरी है कि आखिर महुआ मोइत्रा से जुड़ा ये मामला सामने कैसे आया,
कैसे ये मामला तूल पकड़ता गया और आखिरकार लोकसभा की एथिक्स कमेटी तक पहुंचा। फ्लैशबैक में जाकर घटनाओं को देखने पर पता चलता है कि इसकी शुरुआत महुआ मोइत्रा और निशिकांत दुबे के बीच आरोपों प्रत्यारोपों से हुई। इसी साल मार्च में महुआ मोइत्रा ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर फर्जी डिग्री का आरोप लगाया था। वहीं निशिकांत दुबे ने फरवरी 2021 में संसद में न्यायपालिका पर की गई टिप्पणी को लेकर महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। आईटी मिनिस्ट्री से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की एक बैठक में निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने उनको बिहारी गुंडा कहा था। निशिकांत दुबे ने अक्टूबर में महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने का सनसनीखेज आरोप लगाया था। निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा था और इस मामले में जांच समिति गठित करने और मोइत्रा को संसद से निलंबित करने की मांग की थी। निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहद्राई के एक पत्र के आधार पर आरोप लगाए थे। दावा किया गया था कि मोइत्रा और रियल एस्टेट समूह हीरा नंदानी ग्रुप के सीईओ और कारोबारी दर्शन हीरा नंदानी के बीच रिश्वत के लेन देन के सबूत मिले हैं। निशिकांत दुबे ने जय अनंत देहद्राई के पत्र का हवाला देते हुए आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा की ओर से संसद में पूछे गए ज्यादातर सवाल दर्शन हीरा नंदानी और उनके समूह के व्यवसायिक हितों की रक्षा या उन्हें कायम रखने के इरादे से पूछे गए थे। पत्र का हवाला देते हुए आरोप लगाया गया था कि महुआ मोइत्रा की ओर से संसद में पूछे गए 61 में से 50 सवाल दर्शन हीरा नंदानी और उनके समूह के व्यवसायिक हितों की रक्षा या उन्हें कायम रखने के इरादे से पूछे गए थे। ये सवाल अक्सर हीरा नंदानी के प्रतिद्वंदी अदानी समूह पर केंद्रित थे और नकदी और उपहारों के बदले में पूछे जाते थे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से महुआ मोइत्रा की शिकायत की थी, जिसके बाद स्पीकर ने इस मामले को लोकसभा की एथिक्स कमेटी को भेज दिया था। इस तरह महुआ से जुड़ा ये मामला एथिक्स कमेटी तक पहुंचा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने 6-4 के बहुमत से महुआ मोइत्रा की सदस्यता खत्म करने की सिफारिश की थी। अब हमारा सवाल अगला इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा पांचवा सवाल है, एथिक्स कमेटी के पैनल में किसका क्या रुख रहा, ये जानना बेहद जरूरी है। तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। जब एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको अडॉप्ट करने की बात आई थी, तब एथिक्स कमेटी के जो 13 सांसद हैं उनमें से कुछ सांसद जो हैं वो वहां मौजूद नहीं थे। तब चेयर की तरफ से ये कहा गया कि रिपोर्ट को अडॉप्ट करना है, तब विपक्ष ने इसका विरोध किया था। तब विपक्ष के 5 सांसद जो है उस कमेटी की बैठक में मौजूद थे, लेकिन जो परनीत कौर हैं, जो कांग्रेस की सांसद हैं पटियाला से, उन्होंने रिपोर्ट के अडॉप्शन के फेवर में जो है वो वोट किया था। और परनीत कौर का जो वोट है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका उस पूरे निर्णय में निभाई थी और उसके बाद ये रिपोर्ट जो है अडॉप्ट हो गई थी। एथिक्स कमेटी के रिपोर्ट को लेकर सुबह से ही हलचल तेज हो गई थी और लोकसभा में इसे पेश किए जाने के बाद सियासी गर्माहट और ज्यादा बढ़ती चली गई। हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि एथिक्स कमेटी के रिपोर्ट पर क्यों हुई सियासी जंग? महुआ के एक बयान पर बीजेपी के पलटवार ने इस मामले को महाभारत तक पहुंचा दिया। महुआ के साथ ही विपक्ष ने इस रिपोर्ट को लेकर सवाल खड़े किए। महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश होने को लेकर आज पूरी गहमा गहमी देखी जा रही थी। महुआ मोइत्रा पर क्या कार्रवाई होगी ये तय होने से पहले मामला सियासी तौर पर रामायण से महाभारत की जंग तक पहुंचा। महुआ मोइत्रा ने सुबह संसद पहुंचने पर खुद को दुर्गा बताते हुए कहा कि आप महाभारत का रण देखेंगे। इससे पहले जब महुआ एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई थी तब उन्होंने उनसे पूछे गए सवालों की तुलना वस्त्र हरण से की थी। महुआ के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने इस सियासी जंग को द्रौपदी से शूर्पणखा तक ला दिया। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने महुआ मोइत्रा के बयान पर पलटवार किया। माँ दुर्गा आ गई है, देखेंगे।
जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्र हरण शुरू किए ना, अब महाभारत का रण देखिएगा। जहाँ तक मुझे पता चला है कि उन्होंने खुद को द्रौपदी बोला है कि द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ है और महाभारत शुरू होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इस महाभारत में श्री कृष्ण तो इस तरफ है, और दूसरा जो विषय है कि महाभारत जहाँ तक मुझे पता है द्रौपदी के लिए हुआ था, शूर्पलखा के लिए कभी महाभारत नहीं हुआ। महुआ के खिलाफ संसद में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश होते ही विपक्षी सांसदों ने खूब हंगामा करने के साथ ही नारेबाजी भी की। इसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इन सबके बीच टीएमसी के अलावा कांग्रेस, शिवसेना, आरएसपी के सांसदों ने महुआ के खिलाफ एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर सवाल उठाए। यही नहीं, लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर कहा गया कि अभी रिपोर्ट पेश करना और प्रस्ताव लाना ठीक नहीं है, सांसदों को रिपोर्ट पढ़ने का समय देना चाहिए और रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। Only after studying the report, we also may be asking for more time to understand better what's there in the report, and then obviously we all have come to a solution that Mahua herself should be allowed to speak, and I think it's fair because she is most affected. And she should stand up and fight for herself, and all of us are with her. And we genuinely believe that women should be treated much better by this party. BJP has mostly always said and done unfair things towards women, and I think this is not how Indian constituency was all about. हर चीज में ये आज की सरकार इतनी प्रतिहिंसा, जिसको हम कहते हैं कि इतने बदला लेने की राजनीति क्यों करते हैं पता नहीं। बीएसपी के सांसद दानिश अली ने भी महुआ मोइत्रा को लेकर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए। बता दें कि दानिश अली उस एथिक्स कमेटी के सदस्य थे जिस कमेटी ने बहुमत के आधार पर महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। कमेटी की रिपोर्ट रखी गई है, हम मांग कर रहे हैं कि उस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि एथिक्स कमेटी में भी चर्चा अधूरी रही। जो जिनके खिलाफ एलिगेशन है उनका डिपोजिशन ही कंप्लीट नहीं, जिस तरीके के वहां सवालात पूछे गए, इस वजह से जो सांसद थे, पांच कमेटी के सदस्यों ने वॉकआउट किया था, और उस वॉकआउट के बाद सीधे अडॉप्शन रिपोर्ट आई और ढाई मिनट में रिपोर्ट अडॉप्ट कर ली गई। बहुमत होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर लें। ये पक्ष या विपक्ष का सवाल, कुल मिलाकर विपक्ष एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश किए जाने और महुआ पर फैसला लेने का जबरदस्त विरोध करता रहा, लेकिन सदन में बहस और प्रस्ताव के मंजूर होने के बाद सदस्यता रद्द कर दी गई, और इस मुद्दे पर अभी और सियासी तनातनी देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महुआ मोइत्रा की सदस्यता कैश फॉर क्वेरी मामले को लेकर गई है। उन पर लगे आरोपों को एथिक्स कमेटी ने गंभीर मानते हुए कार्रवाई की सिफारिश की थी। हमारा सातवां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि क्या इससे पहले भी कैश फॉर क्वेरी का मामला सामने आ चुका है? इसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। से कई मामले आए हैं, 2005 में इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से ही जो है वो एक स्टिंग ऑपरेशन जो है वो किया गया था, जिसमें 11 सांसद जो हैं संसद में प्रश्न पूछने के एवज में पैसे लिए थे जिन्होंने। उसको लेकर पीके बंसल, जो कांग्रेस के उस वक्त संसद सदस्य थे, उनके नेतृत्व में जो कमेटी थी उसने पूरी रिकमेंडेशन दी थी कि इन सांसदों ने प्रश्न पूछने के एवज में संसद में पैसे लिए हैं, और 11 संसद सदस्यों की सदस्यता को रद्द किया गया था। एक ऐसे ही मामला और आया था कि एक सांसद जो है वो अपनी पत्नी के टिकट पे, जो संसद सदस्य के तौर पर उनको उपलब्ध कराई जाती हैं 32 टिकटें, उन पे किसी और महिला को जो है विदेश यात्रा पे लेके जा रहे थे, तब उनको पकड़ा गया था। उनका नाम था बाबू भाई कटारा, और उनकी भी संसद सदस्यता को रद्द किया गया था। इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।